देखिए सबसे बड़ा सेंटर, बंदे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, प्रशासन सबसे बड़ा सेंटर देखिए यहाँ। चोर को घुसाओगे, अब सोचो कि बिहार को बदल दे। 11:40 में क्वेश्चन आउट हो जाता है और कहता है कि हम कमेटी बैठाएंगे, फलाना बैठाएंगे, इसमें पक्ष विपक्ष सब युवाओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मैं जी, आखिर ऐसा क्या कारण है कि बिहार में सर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो उसका क्वेश्चन लीक हो ही जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण अब तक मुझे 24 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ उसका स्पष्ट लग रहा है कि चाहे सिपाही आयोग हो या दरोगा का आयोग हो या बीएसएससी जैसा सड़ा हुआ आयोग हो या बीपीएससी हो, ये सारे के सारे आयोग जो है वह एजुकेशन माफिया के हाथ के कठपुतली बन गए हैं। और सरकार जो है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च अजान लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर भीड़ के लड़कों को गुमराह कर रही है, युवाओं के साथ कोई कल्याण नहीं कर रही है, पढ़ेगा बिहार। और एक चीज तो और बोलना चाहेंगे कि अभी मेरे पास सर व्हाट्सएप वीडियो भी दुआया था, उसमें 30-30 सेकंड का क्लिप था और उस व्हाट्सएप वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा था कि एग्जाम सेंटर पे एग्जाम एक घंटा पहले एक प्राइवेट रूम में चल रहा था जिसमें जो सेटिंग वाले स्टूडेंट थे वही थे। तो इस सेटिंग में नॉर्मल इंसान के हाथ में तो नहीं होगा इतना बड़ा सेटिंग? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन पेपर जाता है, यानी मामूली क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 का क्वेश्चन अगर जाता है तो वो प्रिंसिपल के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने खुलता है 10th का क्वेश्चन। और ये तो बीपीएससी का क्वेश्चन था। आप एसडीएम बनाओगे, डीएसपी बनाओगे, एजुकेशन अधिकारी बनाओगे, सीटीओ बनाओगे, लेबर सुप्रिंटेंडेंट बनाओगे, इतना बड़ा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पद दोगे और चोर को घुसाओगे। आप सोचो कि बिहार को बदल दे, बिहार को विश्व पटल पर ला दे, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी के समय में सर जो अधिकांश स्टूडेंट है तैयारी करना नहीं चाह रहे, इसके पीछे का मेन रीजन उनको वही बताते हैं कि एग्जाम बिहार में जो है क्वेश्चन लीक वगैरह हो जाता है। वे चाहते हैं कि हम सेंट्रल का कोई भी जॉब वगैरह करें लेकिन बिहार गवर्नमेंट का नहीं करें। तो बिहार के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगा, जब बिहार से मजदूर तो पलायन कर ही रहा है, स्टूडेंट भी पलायन कर जाए तो उससे अच्छा कि स्टूडेंट के पास अब दो ही रास्ता बच गया है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है। एक बीपीएससी किसी कचर मचर करके बचा हुआ था, वो बीपीएससी भी अपना रिकॉर्ड अपना लेवल डाउन क्या, इससे बड़ा लेवल डाउन क्या हो सकता है, जबकि 11:40 में क्वेश्चन आउट हो जाता है और कहता है कि हम कमेटी बैठाएंगे, फलाना बैठाएंगे, इसमें पक्ष विपक्ष सब युवाओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, मेरा स्पष्ट रूप से ऐसा कहना है। जी जी, काफी दूर से भी सर स्टूडेंट वगैरह आ रहे हैं, काफी सारे परेशान है, मान लेते एग्जाम कैंसिल वगैरह होता है फिर आगे एग्जाम लिया जाता है, इसमें आगे क्या गारंटी है कि आगे क्वेश्चन लीक नहीं होगा? नहीं नहीं, अब ये तो बोलने की बात है, ये सरकार को सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए सोचे, नहीं तो एक बहुत बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन के चक्कर में हम लोग। फिलहाल आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सरकार को सर, मतलब एग्जाम यही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी सामने स्वतः संज्ञान लेके तुरंत आप परीक्षा कैंसिल कीजिए और परीक्षा को इस तरह से लीजिए कि छात्रों के साथ ना इंसाफी ना हो। बिहार की थुक्की हो रहा है पूरे भारत में कि बिहार बर्बाद हो गया, बिहार बर्बाद। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि नीतीश कुमार जो आपके बात को सुनेंगे और इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेंगे और एग्जाम को रद्द करेंगे और आगे ऐसा प्रयास करेंगे कि दोबारा फिर से ऐसा रिपीट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल अपने जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।